लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण द्वारा महिला सशक्तिकरण की थीम पर विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति का प्रदर्शन किया गया। कराटे एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश महिला शाखा की सचिव कस्तूरी सिंह ने बताया कि संस्थान द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं को पूरे प्रदेश में आत्मरक्षा का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अवसर पर 15 विभूतियों का समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान भी किया गया। साथ ही कराटे एसोसिएशन से जुड़े प्रदेश भर में 35 प्रशिक्षकों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वीवीएयू के प्रोफेसर डॉक्टर राज शरण चाई ने युवाओं, खासकर महिलाओं और बालिकाओं से जीवन कौशल में निपुणता हासिल करने की सलाह दी। कार्यक्रम में युवराज विक्रम सिंह का तबला वादन भी आकर्षण का केंद्र रहा। सूत्र संस्था के डायरेक्टर के तौर पर आज जो है हम लोगों ने एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है जो महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में है। तमाम प्रस्तुतियां उसमें दी गई। कराटे एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बारे में तो जसपाल सर हमसे बात करेंगे ही, सूत्र संस्था की अगर मैं बात करूं तो सूत्र जो संस्था है वो महिला सशक्तिकरण के लिए काफी वर्षों से काम कर रहा है और अब चूंकि जो काम वो कर रहा है वो अब हमें एक सार्थक रूप में नजर आना शुरू हो गया है। आज के समय में जितना कंपटीशन है, जितना स्ट्रेस है, सबसे पहले तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी खेल जरूर खेलें, इसलिए कि आज का लाइफस्टाइल जो हमारा हो गया है सबका, वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस वाला है। खेलों के माध्यम से बच्चे जब खेल भावना सीखते हैं तो सबके लिए, कभी आप नहीं सुनेंगे कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप में हारा, उसने सुसाइड कर लिया। तो सबसे पहले इन चीज़ों को सीखने के लिए खेल में आना चाहिए। खेल में आने के बाद मैं कराटे सीखने के लिए इसलिए बोलता हूँ, बाकी खेलों से हमें खेल भावना मिलती है, फिटनेस मिलती है, लेकिन कराटे एक ऐसा खेल है, इन दोनों चीज़ों के साथ एक अलग से चीज़ मिलती है जो है आत्मरक्षा और साथ में दूसरों की रक्षा।